नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने दो दिवसीय दौरे पर आज अमेठी पहुंची, जहां पार्टी संगठन व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने मुसाफिरखाना के दिछोली और दादरा गांव पहुंचकर चौपाल लगाकर लोगों से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान पहुंची महिलाओं और पुरुषों ने अपनी समस्याओं से अमेठी सांसद महोदया को अवगत कराया। शिकायत का अंबार सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का अविलंब निस्तारण करने का निर्देश दिया। ग्राम चौपाल के दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, दिव्यांगजन लाइन लगाकर अपनी अपनी के शिकायती पत्र मंत्री को दिए। इन शिकायतों में सबसे ज्यादा विधवा व वृद्धा पेंशन, लड़ाई झगड़े, पंचायतों के विकास और राजस्व से संबंधित शिकायती पत्र मंत्री को सौंपे, जिन्हें एक एक कर मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निस्तारित करने का जिम्मा सौंपा। विश्वमणि तिवारी की रिपोर्ट, अमेठी। किस तरीके की शिकायत की आपने? शिकायत मैंने ऐसा किया कि गाजनपुर दुवरिया ग्राम सभा में आग लग गई थी, गेहूँ जल गया था और अभी तक उस पर कोई अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं किया। हम दिछोलिया गए एप्लीकेशन देने के लिए, वहाँ भी नहीं दे पाए, इतनी भीड़ थी। फिर दादरा मौजा में आए हिंगलाज मंदिर के पास, यहाँ पे एप्लीकेशन दिया, अपनी बात कहा कि 3000 लोग भूखे मर रहे हैं गाजनपुर में, मुट्ठी भर गेहूँ नहीं है, कैसे लोग खाएंगे, 5 किलो राशन में पेट भरेगा। सांसद जी ने कोई आश्वासन दिया? किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि आपको कल 11 बजे चेक मिलेगा, अब कल 11 बजे का प्रतीक्षा करेंगे। बड़े नेता हैं, सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, यही देखा जाएगा। सड़क जिला कलेक्टर महोदय स्वयं और सभी वरिष्ठ अधिकारी पधारे हैं, SP साहब भी स्वयं पधारे हैं। पूरे गांव में प्रशासन से संबंधित कोई भी अगर एप्लीकेशन हो, आवास हो, शौचालय हो, पेंशन अगर ना मिल रही हो, राशन की कोई चुनौती हो, बिजली का कोई भी कनेक्शन का कोई विषय हो, ये सारे विषय अभी मैं एप्लीकेशन लेकर जिला कलेक्टर महोदय को देने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। आप सब ये भी जानते हैं कि सांसद निधि हर सांसद को मिलती है अपने क्षेत्र में आवंटित करने के लिए, तो मेरा ये प्रयास है कि मैं गांव-गांव जाकर ग्रामवासियों से स्वयं पूछूं कि अपने गांव में वो विकास का कौन सा काम चाहते हैं। तो अगर ऐसा कोई विकास का कार्य आप चाहते हैं गांव में, तो मुझे लिखित दे दीजिए जिला अधिकारी महोदय, उसकी पुष्टि करके फिर नियम अनुसार मुझे बताएंगे कि मैं अपने सांसद निधि से गांव के लिए कितनी राशि आवंटित कर सकती हूँ। तो जिसके पास एप्लीकेशन तैयार है आप ले आएं, और महिलाएं अलग से अगर पहले आ जाएं तो उनके लिए सुविधाजनक होगा। महिलाएं जो हैं वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए थोड़ी सी जगह बना लें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।